नर्सिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से विख्यात नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स और ख्याति प्राप्त विनों ने हिस्सा लिया। यह कॉन्फ्रेंस रिसर्च मेथडोलॉजी एंड करंट रिसर्च इन नर्सिंग सब्जेक्ट पर आधारित है। नेशनल नर्सिंग कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के एडीजी राजा बाबू सिंह के साथ डीआरडीओ के डायरेक्टर डीके दुबे, जीआरएमसी के डीन सरोज कोठारी उपस्थित रहे। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस की सोवनियर और वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडीजी राजा बाबू सिंह ने कहा कि नर्सिंग प्रोफेशन दुनिया का सबसे अच्छा और संवेदनशील कार्य है। 325 बच्चे ऑल इंडिया से, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और लोकल में लगभग 300 बच्चे हैं। तो ऐसे 625 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें और 34 रिसर्च पेपर बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारे उसमें सोविनियर में भी छपे हुए हैं। इसके साथ साथ बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, आपका एम्स न्यू दिल्ली, भोपाल, जयपुर, कई गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स की नोट स्पीकर्स के लिए, सेशन को चेयर करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए आ चुके हैं। और हमारे जय नर्सिंग रिसर्च का एक ये फोटो भी है कि नर्सिंग के फील्ड में जो बहुत बड़ा वैक्यूम है, आप कहीं भी देखेंगे, आप ग्वालियर शहर की बात करें तो ग्वालियर शहर में केवल 2 PhD हैं, जबकि पूरे संभाग की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 125-150 नर्सिंग कॉलेज हैं। 125-150 नर्सिंग कॉलेज के बीच में 2 PhD होना एक अपने आप में प्रश्नचिन्ह लगता है कि इतना बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं नर्सिंग के, वहाँ पे PhD नहीं है। इसका रीज़न यही कि रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा ये प्रयास है, VISM ग्रुप का ये प्रयास है कि नर्सिंग में रिसर्च के लिए प्रयास किए जाएँ, बच्चों को थोड़ा जागरूक किया जाए, इस तरह के करेंट ट्रेंड्स क्या हैं, इसकी मैथडोलॉजी क्या है। थोड़ा नर्सिंग के बच्चों को डर भी लगता है कि PhD होगी कैसे या रिसर्च कैसे होगा, तो जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स आज पूरे ऑल इंडिया से आए हुए हैं वो बच्चों के बीच में जब उस चीज़ को बताएंगे, मेथोडोलॉजी को डिस्कस करेंगे, तो मेरी उम्मीद है कि ग्वालियर शहर में नर्सिंग में PhDs बढ़ेंगी, रिसर्च का काम बढ़ेगा। VISM के चेयरमैन सुनील राठौर ने नर्सिंग को मानवता की सेवा में सबसे बड़ा योगदान बताया। वहीं उन्होंने नर्सिंग क्षेत्र में कार्य करने वालों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर नर्सिंग डायरेक्टर बनाने की बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस में देश भर से 600 से ज्यादा नर्सिंग छात्र हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।